मौजूदा समय में मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इसराइल और हमास के जंग के साथ साथ अब IDF को ईरान के सीधे हमलों से भी लड़ना पड़ रहा है, और हाल के दिनों में इसराइल ने जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं उससे ईरान बौखला गया है। हिजबुल्ला के नेता हसन नसरल्ला की मौत के बाद गुस्से से ईरान लगातार इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर रहा है, जिसके बदले में इजरायली फौज भी हिजबुल्ला लड़ाकों का माकूल जवाब दे रही है और एक के बाद एक उनके कमांडरों और लीडर्स को ढेर कर रही है। क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, और इस हमले के बाद इसराइल ने कहा था कि वो ईरान से बदला जरूर लेगा, और यही वजह है कि अब हिजबुल्ला भी अपनी पूरी तैयारी से है और इजरायली फौज के हर अटैक के जवाब में वो अपने घातक मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर दे रहा है। एक तरफ लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला इजरायल के हाइफा में हथियार बनाने वाली इजरायली सैन्य अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया है। और इस कड़ी में अब हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसराइल को खुलेआम धमकी दी है और वार्निंग भी। हिजबुल्ला के मीडिया रिलेशंस ऑफिस के प्रमुख हज मोहम्मद आफीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के उत्तरी हिस्से में प्रमुख शहरों के खिलाफ लेबनानी प्रतिरोध आंदोलन के जवाबी हमले बस शुरुआत है। हाइफा, सफेद और एकर शहरों पर हमला अभी कुछ भी नहीं है। दुश्मन से हम ये कहना चाहते हैं कि उसने अभी हमारी ताकत का केवल एक छोटा हिस्सा देखा है। प्रतिरोध मजबूत है और लेबनान की रक्षा में शहीद होने के लिए हजारों लड़ाके तैयार हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान हज मोहम्मद आफीफ ने इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले करने की निंदा की और कहा, इजरायली शासन के अत्याचारों को रोकने के लिए वास्तविक कार्रवाई करने में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विफल रहे। नागरिकों और अस्पतालों पर हमला करना अपराध जैसा है। इसके बाद मीडिया रिलेशंस ऑफिस के प्रमुख हज मोहम्मद आफीफ ने इसराइल को ललकारते हुए कहा कि लेबनान की रक्षा में शहीद होने के लिए हजारों लड़ाके तैयार हैं। इससे ये बात साफ है कि हिजबुल्ला और इसराइल के बीच एक महाभयंकर जंग दुनिया जल्द ही देख सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही का सैलाब आ जाएगा। हिजबुल्ला ने अपने हालिया हमलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि उसने लेबनान सीमा के पास इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने के लिए तोपखाने के गोले का इस्तेमाल किया, रामिया साइट की ओर एक मिसाइल दागी और इजरायली ठिकानों पर कई रॉकेट दागकर उसे दहला दिया। इसके साथ ही शुक्रवार को इजरायल ने कब्जे वाले क्षेत्रों में कफर युवल और मार्गलियट की बस्तियों में इजरायली सेना की सभाओं को निशाना बनाया। साथ ही दक्षिणी लेबनान के यारून गांव और सीरिया के तेल अवीव के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में राविया बैरकों के आसपास दो और जमावड़ों को रॉकेट बैराज और तोपखाने के गोलों से निशाना बनाया।